आपका गणित कमजोर है, आप इससे छुटकारा चाहते हैं। आपको लगता होगा कि आपका दिमाग कमजोर है जिसके कारण आपको मैथ ठीक से समझ में नहीं आता है। आज हम वास्तविकता को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे छुटकारा आसानी से कैसे पाया जा सकता है। 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर आपको समय की जल्दी है, गणित सुधारने की परवाह नहीं है, तो सही जानिए ये जो वीडियो है आपके लिए नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, आज की दुनिया में कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो सिद्ध कर पाया कि गणित में कोई कमज़ोर हो सकता है। जो भी गणित में कमज़ोर हैं, उनकी कमजोरी कुछ विशेष कारण से पैदा होता है और सही दिशा में कोशिश करने पर अत्यंत सहजता से चला जाता है, क्योंकि हमें गणित के कमज़ोर होने का मूल कारण या ओरिजिनल कारण का पता नहीं होता है। इस कारण आपके द्वारा किया गया कोशिश साधारणतः असफल हो जाता है और आपको लगता है कि गणित में आपका दिमाग कमज़ोर है। चूँकि गणित में कमज़ोरी जो है किसी एक कारण के कारण नहीं होता है, इसके लिए कोई एक समाधान नहीं है, मगर जिनका गणित कमज़ोर है उन सब में कुछ कारण, कुछ बातें, कुछ अवस्थाएं प्रायः समान होता है। जैसे गणित देखकर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। दूसरा, जब किसी गणित के सवाल का समाधान देखते हैं तो समझ में आता तो है, मगर जब खुद उस सवाल का हल करने जाते हैं तो हल नहीं हो पाता है। और इसके चलते क्या होता है, कुछ लोग तो गणित का पहला स्टेप किसी तरह करके फिर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है, पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समाधान के बारे में भी जान लें। मैंने जो ऊपर के 3 कारण बनाए हैं वो 10 मूल कारणों में से केवल 3 कारण हैं। अभी 7 कारण और भी है जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी आप गणित सुधारने के रास्ते के बारे में जानने के लिए बेताब हो रहे हैं तो हम केवल उस पर ही बातें करेंगे। समाधान के विषय को जानने के पहले आप केवल एक लाइन में जान लें, आप में और गणित के तेज तरार छात्र में क्या फ़र्क है। तेज तरार छात्र को गणित के वीडियो के हल देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाता है कि गणित का हल कैसे किया गया है और क्यों किया गया है, जबकि कमज़ोर छात्र केवल उसमें उलझ कर रह जाते हैं। देखिए, वस्तु स्थिति को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। एक मैंने मैथ दिया है, स्मॉल ब्रैकेट 16+2 × 9 − 5 / 2 बराबर क्या होता है। देखिए, ये बॉडमास के ऊपर है और मेरे क्लास का एक छात्र, मैं अपने छात्र के बारे में बात कर रहा हूँ, वो परेशान हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है। मेरे क्लास का ये छात्र 2 दिन पहले इस तरह के सवाल को हल करने के लिए बॉडमास के ऊपर वीडियो देखकर कुछ सवालों का प्रैक्टिस सफलतापूर्वक कर चुका है, मगर 2 दिन के बाद इससे सिंपल सवाल, ये बहुत ही सिंपल सवाल है जो मैंने ऊपर दिया है, उसको वो हल नहीं कर पाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ भी होता होगा। और उसके इस समस्या के लिए जो वास्तविक कारण है वो है कि गणित तैयारी करते वक्त जो कुछ प्रक्रियाओं को करने के लिए हिदायत दिया गया था, जी हाँ, मैंने बार बार चीख चीख कर बोला था, उसे उसने सही रूप से पालन नहीं किया। जरा ध्यान से मेरे बातों पर गौर करेंगे, उसने क्लास में इस तरह के 2 सवाल को वीडियो देखकर खुद से हल किया था। उन 2 सवालों में से 1 सवाल था 7 − (2)√5 − 3+1 (close). अब देखिए, वीडियो देखने के बाद उसके दिमाग में था कि पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में किस ब्रैकेट का पहले काम होता है, फिर भाग का काम होता है, फिर गुणा का होता है, फिर जोड़ का होता है, फिर घटाव का होता है, मतलब बॉडमास उसे समझ में आ चुका था और इस सवाल को उसने कर दिया। लेकिन 2 दिन के बाद जब यह सवाल उसके पास आया, जो पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, तो लिखता है, सर ये समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसमें जो टेम्पररी लॉजिक का क्रिएशन हुआ था, परमानेंट लॉजिक नहीं हुआ था, जो चीज़ों को हिदायत दिया गया था उसने नहीं माना था, उसे लगा था ये करना बेकार है, जिसके लिए ये प्रॉब्लम आया। और उसकी जो लॉजिक उस वक्त जब
पहली बार वीडियो देख के उसने गणित के प्रैक्टिस किया था वो सही था, क्योंकि उस वक्त उसका लॉजिक था, बाद में वो लॉजिक उसका उड़ गया। अब मैं दिखाता हूँ उसने गलती क्या किया था। जब उसने मुझे बोला कि सर ये मुझे समझ में नहीं आता, मैंने समझाया कि भैया पहले ब्रैकेट का काम करो और तुम्हें तो सब कुछ पता है, मैंने इतना ही बोला था। अब देखो 16 प्लस 2 18 उसने किया, गुणा का रखा, 4 लिखा, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब उसकी क्या हुआ, वो बॉडमास का भूल चुका था, उसकी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई थी दो दिन में, क्योंकि उसने अपने लॉजिक को परमानेंट बनाने की कोशिश नहीं किया था। जिसके पहले क्या उसने क्या किया, देखो पहली गलती 18 गुना 4 है 72 होना चाहिए, 22 लिख दिया, मतलब 18 को 4 जोड़ दिया उसने, ये एक सिली मिस्टेक था। दूसरा भाग का काम पहले होना चाहिए था, उसने गुणा किया जोड़ दिया, गुणा के जगह जोड़ दिया, एक मिस्टेक, और भाग को नहीं दिया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसका जो लॉजिक था वो खत्म हो चुका था। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। फिर मैंने उसको सही करके दिया तो उसने नोट किया, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि लॉजिक कैसे तैयार किया जाता है। तो इस तरह की गलतियां शायद आपसे भी होता है। इसका यह कारण नहीं कि आपका दिमाग कमज़ोर है, बल्कि यह कारण है कि आप गणित सीखने की सही प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं, न कोशिश करते हैं, इसलिए सफल भी नहीं हो पाते और अंत में छोड़ देते हैं यह सोचकर कि कोई आपको कोई धमाकेदार आइडिया देगा और आप बिना जतन के फटाफट गणित कर लेंगे, लेकिन शायद ही ऐसा होता है। तो सवाल है कि क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। लाइव एग्जाम्पल आप जो अभी देने वाला हूं उसे बहुत ही गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे। सबसे पहला है कि मैथ सीखने का मतलब क्या है, अपने न्यूमेरिकल लॉजिक को दुरुस्त करना। जी हाँ, दुनिया के हर साइंटिस्ट बोलता है गणित करने में न्यूमेरिकल लॉजिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका दुरुस्त होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल लॉजिक पे क्या है, दो सवाल है, क्यों किया या क्या करना है, और दूसरा कैसे किया या प्रोसेस। तो मतलब आप जब गणित करेंगे तो उसी वक्त गणित करते वक्त ही आपको प्रैक्टिस करना है अपने न्यूमेरिकल लॉजिक को दुरुस्त करना। अभी मैं एग्जांपल में खुद करके दिखाऊंगा। देखिए एक सवाल है, स्मॉल ब्रैकेट, ये बॉडमास का सिंपल सवाल लिया हुआ, 9/3 प्लस मिडिल ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 6-3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, मुझे क्या करना है आगे, सबसे पहले खुद से पूछते हैं, जोर से बोलते हैं सवाल को पढ़ के कि मुझे करना क्या है, फिर खुद जवाब देते हैं। देखिए ये सवाल जब कर रहे हैं तब ये कर रहे हैं कि मुझे छोटे ब्रैकेट का काम पहले करना है, मुझे छोटे ब्रैकेट का काम पहले करना है, और आपका नज़र उस दो छोटे ब्रैकेट पे जाता है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है ना। और कैसे किया, 9 को 3 से भाग दिया तो 3 हुआ, यहाँ पे हो गया प्लस। अब देखिए 4 आपने लिख दिया, 6-3 को घटाना है 7 में, कैसे किया प्रोसेस में जानना है। जैसे ही फंक्शन हो जाता है आपका छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, 4 × 3 मिडिल ब्रैकेट। ये कैसे किया है और क्यों किया, इसलिए किया इसे कि पहले हमें छोटे ब्रैकेट का काम करना है। ये दो जवाब मिलके लॉजिक बनता है, इसे समझे बहुत अच्छी तरह। अब क्या करना है, अब हमें पहले 4 और 3 को गुणा करना है, क्योंकि वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में है, पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो फिर हमने क्या किया, 3 + 12 किया, तो देखिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट हट गया। ये प्रोसेस है, कैसे किया, हमने 4 और 3 को गुणा कर दिया, मिडिल ब्रैकेट को हटा दिया, तो ये लॉजिक फॉर्मेशन है। 3 + 12 को जोड़ दिया तो 15 इसका उत्तर हुआ। तो देखिए जब ये सवाल को करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला वैसे आपको क्यों किया और कैसे किया, ये दोनों को हर लाइन पे हर स्टेप पे आपको बोलना है, और ये शब्द आपके कान में जाना चाहिए, क्यों किया, या जब शुरुआत कर रहे हैं क्या करना है। तो क्या करना है एक लॉजिक है कि आपको शुरुआत कहां से करना है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, शब्दों का माया जाल।
डेविड ने 48 स्वादिष्ट कुकीज बनाए और वो उन्हें अपने दोस्तों के बीच में समान रूप से साझा करना चाहता था। यदि प्रत्येक मित्र को 4 कुकीज मिलती है तो डेविड के पास कितने मित्र हैं? तो देखिए, ये जो है ये हम वन वेरिएबल इक्वेशन या एक चर समीकरण से इसका हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हमें एक चर समीकरण से इसे हल करना है, और एक चर समीकरण से हल करने के लिए पहले हमें क्या करना है, सवाल को समीकरण में चेंज करना है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या सिखाया है, क्या करना होता है, जो पूछा जाता है उसे एक्स मान लिया जाता है। यहां डेविड के पास कितने मित्र हैं, आप कहते हो भाई डेविड के पास एक्स मित्र हैं, तो जो पूछा जाता है उसी को एक्स माना जाता है। ये आपका लॉजिक होना चाहिए। अब है कि सवाल को समीकरण में बदलेंगे। समीकरण का मतलब होता है एक बराबर का एक सिंबल भी आएगा। अब है कि डेविड के पास कितने मित्र हैं, एक्स मित्र हैं, और सबको 4 कुकीज मिलता है, तो कितने कुकीज मिले डेविड के मित्रों को, तो हम लिखेंगे एक्स गुना 4। डेविड को ये हमने क्या किया, सवाल को समीकरण में बदलने के लिए पहले तो हमने ये सोचा कि हम इसे एक चर समीकरण से सॉल्व करेंगे, तो सवाल को पढ़ के कितने मित्र हैं, हमने एक्स मित्र मान लिया। अब हम सवाल को समीकरण में बदल रहे हैं, तो हमने बोला कि भैया एक्स मित्र हैं, सबको 4 कुकीज करके मिलेगा, और हमें बता दिया गया है कि डेविड के पास केवल 48 कुकीज है जो सबको बांट रहा है, तो डेविड के पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो बड़ा सिंपल है। तो डेविड के पास जितना कुकीज है सबको समान रूप से बांटा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और 48 लिखेंगे। अब देखो मेरा सवाल जो है समीकरण में बदल गया, तो अब इस समीकरण से हमें क्या है, कैलकुलेशन में सॉल्व करना है, जो मैंने एक तरह से यहां दिखाया। अब यहां के स्टेप्स को करते हुए बोलना है, तो फिर यह क्या होता है, हम सवाल को वीडियो में देखते हैं, समझ में आता है क्योंकि लॉजिक बोला जाता है, लेकिन जब हम खुद करने जाते हैं तो हम उन क्रियाओं को नहीं करते हैं। जो मेरे उस छात्र की तरह है, उसने उस वक्त वीडियो को देखा, उस वक्त उसके दिमाग में बातें था, उसने उसे कर डाला, 2 दिन के बाद वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक जो है वो समय के साथ साथ इरोड हो गया था, खत्म हो चुका था। अब कुछ बातों को और बोलूंगा मैं। आज के चर्चा के अंत में आते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहला अहम है एक सवाल और वीडियो का उतना ही पार्ट। जी हाँ, हम क्या करते हैं, किसी का भी वीडियो देखना शुरू करते हैं, एक साथ 8-10 वीडियो देख डालते हैं, कुछ नहीं होता है मेरे भाई, कोई पिक्चर नहीं है। यहाँ एक सवाल जैसे ही हुआ आपको रुक जाना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके उस सवाल को लिखना है, और उसके बाद आपको खुद शुरू करना है। कैसे शुरू करना है, खुद से हल करेंगे उस सवाल का, कलम के साथ साथ जबान भी चलता हुआ रहेगा आपका, क्यों किया और आगे क्या करेंगे। देखिए यहीं से गणित सीखने की प्रक्रिया है। मैंने केवल इतनी सारी बातों को बोला इसलिए जो गणित में कमज़ोर हैं उनको गणित सीखने की जो प्रक्रिया करते हैं, जो भले तेज तरार छात्र के लिए लागू हो सकता है, लेकिन कमज़ोर छात्र को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मतलब सवाल के हल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सवाल पर स्टेप दर स्टेप लॉजिक। लॉजिक का मतलब है क्यों किया और आगे क्या करना है, क्यों किया आगे क्यों आगे क्या करना है। आप एक चीज़ को समझें, सवाल का हल रटना नहीं है, रटने में आपको क्यों किया और आगे क्या करना है, इन दोनों का जवाब आपके पास नहीं रहता है। लेकिन जब लॉजिक होता है, और लॉजिक को परमानेंट कब बनाएंगे, जैसे मैंने उस छात्र के बारे में बोला था, पहले जो बोला मेरा एक छात्र था,
उसने वीडियो देख के दो सवाल तो कर दिए लेकिन उसका लॉजिक परमानेंट नहीं था। उस वक्त के लिए दिमाग में थोड़ा सा लॉजिक था जिसके लिए उसने सवाल का जवाब दे दिया था, लेकिन हकीकत में परमानेंट लॉजिक नहीं था जिसके लिए दो दिन बाद वो कुछ नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब है, सवाल क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जीवन में कभी भी ये सवाल आए आप उसका उत्तर दे सकें। आपके सवाल सीखने का मूल कारण यही है, तो इसे समझना होगा। खुद को धोखा ना दे। तो करना क्या है, पूरा वीडियो कभी एक साथ नहीं देखना है। मेरे क्लास में मैं पूरे एक साथ, जो भी मेरे क्लास के छात्र जानते हैं, हर सवाल का एक ही वीडियो होता है, भले वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना मुझे सवाल करना पड़ता है। इसके लिए उसे आगे पीछे वीडियो को नहीं करना पड़ता है। लेकिन YouTube में ऐसा नहीं चलता है, आप लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अगर कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं एक एक सवाल का, जिस तरह से मैं क्लास में वीडियो बनाता हूँ, वैसा ही वीडियो देना शुरू करूँगा। दूसरा है, कुछ और जानना है, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, शुरू तो करें। और मेरा यहाँ पर 8292453585 है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन ना करें। व्हाट्सअप में अपने जो दिमाग में जो भी आपके सवाल हैं और भी इससे जुड़े हुए आप करेंगे तो मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। बहुत सारे होंगे तो शायद वक्त लगेगा, कम लोग पूछ रहे होंगे तो फिर मैं जवाब दे पाऊंगा। और एक बात है, अगर आप सोच रहे हैं किसी क्लास में पढ़ना, तो उसी क्लास को ज्वाइन करें जहां भीड़ ना हो। नाम पर मत जाएं, क्योंकि आपकी जरूरत है कि आपको कोई अटेंशन दे, आपके समस्या पर ध्यान दे और जैसे मैंने बोला वैसे करवाए। क्योंकि गणित सीखना और गणित सिखवाना दोनों में अलग चीज़ है। मैं गणित का जानकार हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि गणित को दूसरे कैसे सिखवाया जाए, वो हो सकता है मैं नहीं भी जानता हूँ। तो मैंने बोला इस 72 साल की उम्र में हजारों, लाख तो नहीं बोलूँगा, हजारों छात्र निकले और उसमें मैंने इन चीज़ों को देखा और उसके ही बलबूते पर बोल रहा हूँ। तो क्लास ज्वाइन करें नाम नहीं देख के, बल्कि अगर आपके पड़ोस में ही कोई टीचर है जिसके यहाँ पहुँच सकते हैं, आप गणित में कमज़ोर हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनको वो वीडियो दिखा दीजिए, बोलिए कि सर मुझे ये क्यों का जवाब हर वक्त देते जाइए, आप खुश हो जाएंगे, आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगा। इस बात को याद रखें और इसे गांठ बांध दें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल लॉजिक जो है यही मूल मतलब है, यही मूल वक्तव्य है, यही मूल तथ्य है कमजोर और तेज तरार छात्र के बीच में जो अंतर है वो बस यही है, दैट इज द न्यूमेरिकल लॉजिक। और आप कमजोर क्यों हैं? क्योंकि आपके पास ये लॉजिक कम है, इस लॉजिक को ही तो बढ़ाना है। तो आशा करता हूं कि आपके मन में जितने सवाल घूमर रहे होंगे उसको मैंने जवाब दिया। मैं भी जानता हूं बहुत सारे सवालों का जवाब 10-12 मिनट के वीडियो में देना संभव नहीं है, और मैं चीज़ों को रिपीट करके इसलिए बोलता गया क्योंकि बार बार सुनने से बातें क्या होता है, बोरिंग नहीं लगता है, पहली बार जब सुनते हैं आपके दिमाग में रह जाता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं तो आपके गणित करते वक्त होता होगा। कॉमेंट्स करें, जो आपके दोस्त हैं गणित में कमज़ोर हैं उन्हें शेयर करें, क्योंकि इससे आप किसी का भला अवश्य करेंगे। तो आज यहीं विदा लेता हूं, आपने समय दिया इसके लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।